फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं नबील अकबर और तलांजम के बारे में। तो आपको पता होगा कि तलांजम नास के लेबल मास अपील के साथ साइन है। तो अभी कुछ रूमर्स आ रहे हैं कि नबील अकबर डेफ जैम के साथ साइन हो चुके हैं, जो कि जेजी का लेबल है। तो इस पर नबील अकबर ने एक स्टोरी शेयर की है एंड जेजी और नास की बीफ के बारे में तो आपको पता होगा। तो इस पर वॉयस के एक फैन पेज का कहना है, डेफ जैम इज द लेबल वेयर जेजी साइन इन एंड मास अपील इज ओन बाय नास, सो नाउ अंजुम इज साइन अंडर द लेबल मास अपील ऑफ नास। यू ऑल नो द बीफ बिटवीन नास एंड जेजी, सो नाउ नबील थिंक्स ही इज जेजी। तो अब बात कर लेते हैं उमर के बारे में। तो उमर ने अपने 2024 के स्पॉटिफाई स्टैट्स शेयर किए हैं। तो उमर के 16 मिलियन लिसनर्स हैं एंड 325 मिलियन स्ट्रीम्स हैं एंड लास्ट ईयर उमर के 170 मिलियन स्ट्रीम्स थे एंड स्पॉटिफाई के मोस्ट स्ट्रीम्ड लोकल आर्टिस्ट इन पाकिस्तान इन 2024 की एक लिस्ट देखने को मिली है, जिसमें नंबर वन पर है तलांजम, सेकंड नंबर पर उमर एंड फिफ्थ नंबर पर है तला यूनस। तो इस पर उमर का कहना है, दैट्स व्हाट्स अप। एंड उमर का एक और स्टोरी शेयर करते हुए कहना है, आई सी यू ऑल, आई चेक द स्टैट्स एंड आई एम द मोस्ट स्ट्रीम्ड आर्टिस्ट फॉर 55K पीपल। यू हैव नो आइडिया व्हाट दिस मींस टू मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग। इसके अलावा कुछ आर्टिस्टों ने अपने स्पॉटिफाई स्टैट्स शेयर किए हैं। तो जेजे 47 के 19 मिलियन स्ट्रीम्स, शारे अख्तर के 6.15 मिलियन, हाशिम नवाज के 4.7 मिलियन, कलम इंग के 49 मिलियन, सेविज के 2.56 मिलियन, फरासत अनीस के 5.5 मिलियन, बेंजो थर्ड के 15 मिलियन, एसन के 1.7 मिलियन, जेस के 293 के एंड हाशिम इसाक के 106 के स्ट्रीम्स हैं। तो अब बात कर लेते हैं रोहन करियापा और एमटीवी हसल की कंट्रोवर्सी के बारे में। तो अभी रोहन करियापा के अगेंस्ट पेड पीआर कैंपेन्स चल रही हैं। तो इस पर रोहन करियापा ने एक स्टोरी शेयर की है। आप लोगों को दिखाऊंगा पेड पीआर कैंपेन्स क्या होते हैं। ये जो वीडियो है ये मेरे 100K जब सब्सक्राइबर हुए थे तो एक रोस्ट वीडियो निकाली थी, जिसमें सारे प्रोमिनेंट आर्टिस्ट को फन रोस्ट किया था। इसने कृष्णा को टैग कर रखा, वो रखा रहे भाई इस पर भरोसा मत करो, सपोर्ट मत करो, नॉट रियलाइजिंग किसी ओरिजिनल वीडियो के नीचे खुद कृष्णा ने कमेंट कर रखा है। रिस्पॉन्सेस भी भाई एकदम आइडेंटिकल है और मतलब कम ऑन भाई, प्रेरणादायक है। कोई नहीं लिखता, कोई डीएचएस का लिसनर कभी भी नहीं बोलता कमेंट में कि भाई आपके गाने मुझे बहुत ही प्रेरणादायक लगे, और यहां पर तो दो लोगों ने आइडेंटिकल कमेंट कर रखे हैं। खैर डेफिनेटली डीएचएस का फैन होगा, वरना ऐसा क्यों ही लिखेगा। कुछ तो नीच होती है ना किसी के ट्विटर पे, कोई हर चीज में इंटरेस्टेड नहीं होता। गौतम सिंह गाने वोट को गौतम सिंह गाने समझ गया। कुछ दिन बाद आप देखोगे बंदा कोई मूवी का प्रमोशन कर रहा है, कुछ दिन बाद भाई कोई लैपटॉप कोई फोन का प्रमोशन कर रहा है, कभी किसी को हैप्पी बर्थडे विश कर रहा है। ये क्या चीजें तो मुझे अभी तक समझ नहीं आई है। ये एडिडास जर्सी, ये स्प्राइट एग्रो फ्लरिश, क्वेश्चन ये करवा कौन रहा है। इसके अलावा रोहन करियापा ने एमटीवी हसल से अपोलोजाइज कर लिया है। रोहन करियापा का एक ट्वीट करते हुए कहना है, आई वुड लाइक टू एक्सटेंड एन अनकंडीशनल अपोलॉजी टू एवरीवन एसोसिएटेड विद एमटीवी हसल एंड आवर हिप हॉप कम्युनिटी। एंड बादशाह का एक ट्वीट करते हुए कहना है, द चैनल वॉन्ट गो। इसके अलावा एमिवे का एक ट्रैक ड्रॉप हुआ है, ट्रैक का नेम है मेरा ना हुआ। तो इस ट्रैक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।